सर मेरा वेखो गिला हैगा की करा निके निके बच्चे मैं किस पास जावा मैं तो सोचा सर कोई अट्टी मारा मैं की करा मैं इतने तंग हो गया मैं साग हो गया मैं तो अपना बस इलाज खत्म हो गया मेरे दिल च बस आ मेरी तलाश ले लो हूँ तुम मौके इत रब ही रब नहीं नहीं मैं तुम यकीन है वेख लो जी वेख लो जी वेख लो जी वेख लो कोई पैसे है कढ़ लो घर पे घर तलाश ले लो हाँ वेखो चीज़ जिंदा मसाल है वेखो फरो लो कोई शह नहीं मिलेगी एडा वा बंदा मैं इज्जतदार बंदा व्डे चंगे माड़े लोगों की कोल बहना खिलौना मेरी हालत की हुई है जी मैं दस फेरे हो गए मारते हैं तो मैं दिहाड़ी तोड़ के आना मैं आटा नहीं मिलता पे मशीन मार देना मैं आटा नहीं है तुम नहे लेंगे की करते हो रंग का काम करते हैं कोई रंग की फैक्ट्री तो नहीं है नहीं नहीं कोई शायद नहीं कोई रंग यूनिट तो नहीं है नहीं रंग रंग साहब है कोई मेरा ख्याल है कोठिया से महलों से रंग नहीं करते कोई लख रुपया तो नहीं लेंगे नहीं नहीं पांच हजार दस हजार पास ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਰਹਿੰਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀਰਸ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਆਟਾ ਜੋ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਇਨਕੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਇਹ ਅਬ ਇਧਰ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਇਹ ਰਾਤ ਇਧਰ ਸੋਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਸੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੰਜੇ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਬਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ हाँ भी करो बड़े परेशान हाँ हूँ भी किसी वालों साल सुन बच्चे लै आते हैं गुजारा कर लें बारह छेत्र पार दे भी सारा समान उत्ते रुलद बड़े शौक न बड़े करदा चाह के विह किया जी चरसी टक्कर गया मारिया कुटे मैं घर बटा दिता इन बगैर तो जालमा इन मार दालमा तेन आए मैं कहना तो किसी से मारे है, बच्ची मारना ही कोई शर्म कर बेशर्म इंसान बेटा आप, आप, आप आपको मारता है आपका मियां हाँ जी हूँ घर है इन्होंने भेज दिया हाँ जी मैं रखा मैं घर फैसला लेना जी हूँ मैं नहीं गलना हाँ जी मैं कहनी हाँ फैसला की ती भैन जिथे दे दी है एक दफा उथे ही दे दी है वे के कोई सुलह शुला हो गई सुलह वगैरह हो गई तो फिर शायद कर दी माँ है ना घर बचा रही है बेटी का यार इसकी हालत पे ये जितने भी बाबे यार मैं सबसे कहता हूँ इनकी हालत पे तर्स खा लो यार इन पे तर्स खा लो पैसे निकालने का इलाज करा लो मैं किसी पास हो जब साहब बिल्कुल ही रुक जाता है सिंगल छट गया सारा कुछ छट गया अस्पताल लै गया ना बोलती ना चोलती तो चुक के लै गए हैं चुक के लै जा के ना अस्पताल रखे रखे पंजे दिन घर ताला लगा रहा की करा ये माँ जी की रिपोर्टें हॉस्पिटल की हाँ जी वे कैसे मेरी तलाश ले लो हूं तुम मौके इत रब ही रब नहीं मैं तुम यकीन है वेख लो जी वेख लो जी वेख लो जी वेख लो कोई पैसे है कढ़ लो घर पे घर तलाश ले लो हाँ वेखो चीज़ जिंदा मसाल है वेखो फरो लो कोई शह नहीं मिलेगी एडा वा बंदा मैं इज्जतदार बंदा व्डे चंगे माड़े लोगों की कोल बहना खिलौना मेरी हालत की हुई है जी मैं तो हर वक्त यही सोचता रहा किसी टाइम उंज ना टुर जाए बच्चे का की बनेगा मेरे निके निके बच्चे उन्हें बुला बुला नहीं उन्हें सीधा बुला बच्चे बारो और ये कितने बच्चे माँ जी सात ने सात बच्चे सात बच्चे जी इनके माँ बाप ये इधर रहते हैं सर्दियों में भी ऊपर सब की करी सर्दी है थले जगह वेखो से आई नहीं सौन वाली
थले बच्चे ने कोल सोना माँ प्यो वैसे चंगी गल है जी। हूँ एक कमरा है तुम आप देख लो जी। व्यूअर्स आमो वाली गली 7 नंबर गली भी इसे कहते हैं, हनीफ पार्क है, बदामी बाग, ये सब्ज मंडी के साथ लाहौर में जो सब्ज मंडी के साथ वहाँ इनकी रिहाइश है। और ये इनके एक बच्चे हैं, ये एक बेटा है, ये दूसरा बेटा है इनका, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इधर मैं क्या कहूँ, क्या सुनाऊँ, क्या दिखाऊँ। निचला कमरा है, एक नीचे इनका कमरा है जहाँ बेटे बेटियाँ सोते हैं इनके, और यहाँ ये जो माँ जी और ये चाचू सोते हैं। लेकिन इस कमरे की क्या हालत है वो मैंने आपको दिखा दी है। बिस्तरे गीले हैं, चारपाई गीली है, बारिश होती है, और ये है इनकी चौंदा पानी बिचो जी। हाँ हाँ, ये हिसाब किताब है। लेकिन मुझे अब हैरानगी होती है चाचू, हुक्मराना नु की पैगाम दो की देना जी। बस मेरे तक को तरस खान, मैं मर जाऊंगा फिर फायदा किए, मैं उनकी तक तंग आ गया, अपनी जिंदगी तो तंग आ गया, उनकी दसा मैं इतना मैं बाजार हो गया, वोट पाने का की फायदा, कदों साढ़े गरीबों की मुश्किल नहीं हल होनी है। चाचू ता फोन नंबर की है जी? जी कटना जेब चो है, पढ़िया पुढ़िया मैं कोई ना जी, है नंबर है जी मेरा, है वेखो जी दो नंबर ने ता के। हाँ जी दो नहीं मेरे को, चाचू का नंबर है 03444134977। मैं दोबारा बता देता हूँ, 03444134977। दूसरा है 03480462291, मुश्ताक अहमद रंगसास। तो ये चाचू के घर के हालात हैं। को किसी का दुख सुनता है, मैं मेरे मल्लेदार पूछो कभी किसी को कुछ है मंगी हो। एक सेकंड सबूत अभी ले लेते। बेटा सच बोलिएगा, अजानों का टाइम है, ये कभी इन्होंने आपसे कुछ मांगा? नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। बड़ा तंग हो गया जी। आटे वैसे रोज फेरे मारना, चलो शायद आटा मिल जाए, कंजर देंदे नहीं आटा जी, रोज जाना चाटे वास्ते चक्कर मैं लैन लाना, तीन तीन घंटे लैन खलोतर तिना घंटे पिछो इं मार देना, जाओ जी आटा है नहीं, मैस करो मैस करी दे, वो आटा ही नहीं मिलता पाया जी। अजानों का टाइम भी हो गया, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शेख को इजाज़त दीजिए।